हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पहाड़ी 01। आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बेनिफिट ऑफ फार्मिंग, क्या फ़ायदे हैं आप अपने छोटे से आंगन में और छोटी सी खेती करके, आप बाहर से जो जितने सब्जियां आती है, फ्रूट्स आते हैं, उसमें किस तरह की मिलावट होती है, किस तरीके से उसमें अजीब अजीब सी खाद और ये सब डाल के एकदम बड़ा किया जाता है, इंजेक्शन लगा के उसे बड़ा किया जाता है, तो उस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको खुद थोड़ी बहुत फार्मिंग करनी होती है। उससे क्या होता है कि आपको सही से खाने को पर्याप्त सब्जी, फ्रूट्स, ये सब मिल जाते हैं। देखिए, अभी आपको जहाँ तक है ज़्यादा इस टाइम नहीं हो रहा है, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ फिर भी। ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के बैंगन, अब यहाँ पे आती है ये मिर्चे, और ये देखिए मिर्च कितनी बढ़िया तरीके से हो रही है, और ये जा रही है करेले की बेल। ये मिर्ची, ये घोर काली मिर्च। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए टमाटर, भरपूर मात्रा में टमाटर हो रहे हैं। और ये करेले की बेल देखिए किस तरीके, इसमें कुछ टाइम बाद करेले बहुत बढ़िया तरीके से जाएंगे ऊपर, पूरी बेल लगाइए। बैगन, ये देखिए छोटी छोटी हरी मिर्च हमने बो दी है। ये नींबू, कागजी नींबू होना स्टार्ट हो गया। ये अब लहसुन जो है ये हमने तोड़ने स्टार्ट करे, ये देखिए। ये देखिए क्या बढ़िया लहसुन हो रहा है, ये देखिए। ये धनिया, अब आपको ले जाते हैं प्याज की तरफ। प्याज भी अब अपने उसमें आ चुका है, काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुके हैं, ये देख रहे हैं। ये देखिए गाइस, सारा प्याज हो रहा है, तो थोड़ी सी मेहनत मांगता है। सुबह आपको पानी वानी दे देखे, बिल्कुल इसे
बढ़िया तरीके से तरोताज़ा करना होता है। ये देखिए सारा प्याज, प्याज मांगे पानी। और इस तरफ धनिया, लहसुन, ये हमने धनिया को पानी दे दिया। लहसुन जो है